अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अफरोज मुगल। पेश हैं अब तक की हेडलाइंस। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि अपोजिशन वाले एक दूसरे को मारेंगे और हम तमाशा देखेंगे। नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि पीडीएम वाले ड्रामेबाज लोग हैं और हर रोज नया ड्रामा करते हैं। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा है कि सेनेट में भी उन्होंने अपने लोग भर्ती किए हुए हैं, ये वहाँ कैमरे लाए और लगाए, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। कौमी असम्बली के हल्के NA 249 कराची में जमनी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTIA ने 4 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। गवर्नर हाउस कराची में होने वाले तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद 4 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट करके वजीर आजम इमरान खान को भिजवा दिए गए हैं। NA 249 के उम्मीदवार का हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। मोहल्ला शेख बरहान में 10 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जिशान ने 10 साल बच्चे को पहले ज्यादती का निशाना बनाया और इसके बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपनी घनौनी वारदात छुपाने के लिए बाद अजा बच्चे की लाश को सेम नाले में फेंक दिया। कौंसलेट बार्सिलोना में गुज़िश्ता रोज शान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसका मकसद स्पेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा और PhD स्कॉलर्स को पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं और कारोबारी हजरात से मुतारिफ करवाना था। कौंसल जनरल इमरान अली की ज़ेर सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में सैयद ज़ुल्करनैन शाह, डॉक्टर हुमा जमशेद मोहम्मद इकबाल चौधरी, ताहिर रफीक, हाफिज अब्दुल राजिक सादिक, उमेर डार, जावेद इलियास कुरैशी, आफ्ताब अशरफ, राजा शफीक कियानी ने तलबा से गुफ्तगू की और उनके सवालात के जवाब भी दिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस के बायस इंतजामिया ने 3 सब सेक्टर्स को सील करने का फैसला कर लिया। इस जमन में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सील किए जाने वाले सेक्टर में I-84, F-11, 1IR-3, 2 शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि कोरोना केसेस वाले सब सेक्टर्स को आज रात से सील किया जा रहा है। चार सदा अवामी नेशनल पार्टी ANP ने वलीबाग चार सदा में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। इस बात का ऐलान ANP के मरकजी नायब सदर अमीर हैदर खान होती ने किया है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला अमीर हैदर खान होती ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदे अपने पैगाम में कहा है कि असवन यार वली खान की तबीयत गुज़श्ता 4-5 रोज से नासाज थी, जिस पर उनके टेस्ट किए गए हैं। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.suchexpressnews.com।